नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर, धोरण 9 विषय हिंदी बाय जेके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपनो हार्दिक स्वागत करू छूं। पाठ 11 एक यात्रा यह भी, जिनके लेखक है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जी का जन्म 1924 में हुआ है। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। अपनी कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है। खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो देखते हैं पाठ 11 एक यात्रा यह भी। एक यात्रा यह भी लेखक रामदरस मिश्र जी कहते हैं, मैं बहुत यात्रा भीरु हूँ। यात्रा भीरु माने यात्रा से डरने वाला। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। जब कहीं यात्रा पर हम निकलते हैं तो कोई भी व्यक्ति को डर बना होता है कि जब यात्रा पर जाएंगे तो कौन कौन से लोग, कैसे कैसे लोग, कहाँ कहाँ मिलेंगे, पता नहीं। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले। जो रिक्शा वाले यानी ऑटो वाले होते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और वो अपनी मर्जी से भाड़ा तय करते हैं, किराया तय करते हैं। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह भी एक चिंता का विषय है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी, यानी कि तसल्ली थी, थोड़ा बहुत आश्वासन था कि चलो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अपनी पत्नी भी है। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। लेखक कहते हैं, अपनी पत्नी के साथ जब मैं ग्वालियर में गया एक डॉक्टर से मिलने के लिए, उस स्टेशन पर उतरते ही कई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। उनमें से एक ऑटो वाले की आवाज़ ने लेखक को आकर्षित कर दिया और उसमें बैठने की उन्होंने स्वीकृति दे दी। बहुत का भाववाचक है बहुतायत। यात्रा भीरु, यात्रा से डरने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है। समय तो भाववाचक है सामयिक। सहज का विरोधी है असहज। हंट शंट यानी अपनी मर्जी में आए ऐसा, मनमाना। आश्वस्ति यानी तसल्ली, आश्वासन, इस प्रकार ये शब्द है।
वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे, वांछित यानी कि न चाही हुई पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ, जानने को मिला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। क्लिनिक माने अस्पताल, छोटा सा दवाखाना। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। लेखक तो वहाँ डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचे, ऑटो वाला वहीं पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ। बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ। उसके ऑटो पर बैठकर वह डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। उस ऑटो पर सवार होकर लेखक डॉक्टर की नई जगह पहुंचा। ऑटो वाला बाहर उसका इंतजार कर रहा था। एक घंटे बाद लेखक बाहर आया तो अपना इंतजार करते ऑटो वाले को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि ये ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले से कुछ अलग है। उन लेखक के मन में अपना घर करता गया, आकर्षित होता गया। लेखक को भी अच्छा लगा वह लड़का। रिक्शा वाला कहता है बाबूजी फिर कब आऊँ, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है। कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी। यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन, मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया मुझे। यानी लेखक उसी रिक्शा में बैठकर उसी ऑटो वालों के साथ पूरा शहर घूमने के लिए गए। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो। नहीं अम्मा, मैं बोला तो आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ बोल आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं BA पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि। लेखक एक होटल में ठहरा था। दूसरे दिन उसे शहर में घूमना था। मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे चाय पीने के लिए अपने कमरे में बुला लिया। बातचीत में मोहन लेखक को बाबूजी और अपनी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता था। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है, उसके माँ बाप तो उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे हैं, बड़े भाई ने उसकी परवरिश की, वह BA पास है, वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था। थोड़े बहुत शब्द संकोच यानी झिझक होना, परवरिश माने पालन पोषण करना, BA माने 12वीं कक्षा के बाद जब कॉलेज का
वर्ष शुरू होता है तो और उसमें ग्रेजुएट होते हैं तो हम उसे बीए पास कहते हैं। मोहन नौकरी की तलाश में था, एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है, अनचाही घटना। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी धिधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। बदहवास माने विकल, धिधियाती यानी करुण स्वर में प्रार्थना करना। और बोली, क्यों क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द है अधेड़, आधे से ज्यादा उम्र वाला। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसर अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। खुसर माने अप्रिय व्यक्ति। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस में पड़ना यानी सोच विचार में पड़ना, दुविधा में पड़ना। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। हकीकत माने वास्तविकता। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। FIR माने कोई भी गुनाह होता है तो गुनाह होने के साथ उसकी FIR दर्ज करानी पड़ती है, तभी हमारा केस शुरू होता है या पुलिस लोग जो है एक्शन में आते हैं। लेखक को मोहन ने बताया कि नौकरी की खोज में इधर उधर जब मैं भटक रहा था तभी एक घटना घटी। एक परिचित लड़की ने उसे आवाज दी और अपने को बचाने के लिए सहायता मांगी। लड़की के पिता उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर रहे थे। लड़की को उससे शादी करने की अपेक्षा कुएं में गिरकर मर जाना पसंद था, इसलिए इस लड़की को मोहन बचाकर ले आया थानेदार के पास। थानेदार को सारी बात बताई। उसने मोहन से कहा, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? इसी प्रकार की सोच थानेदार रखता था कि लड़की किसी तरह बच जाए, और मोहन को ये प्रस्ताव लगा दिया। प्रस्ताव के सामने मोहन क्या कहता है देखते हैं। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने नमे सिर हिलाया। तो बोले, तुम इसे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। थानेदार ने कहा कि मोहन तुम इसके साथ शादी कर लो, शादी क्यों नहीं कर सकते? आकस्मिक यानी अचानक। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मोहन को लगा कि ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा, सर इसे तो पूछ लीजिए। मोहन तो थानेदार ने कहा इसलिए शादी के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो लड़की तैयार है या नहीं तो उसको पूछने के लिए मोहन ने थानेदार को बताया। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लड़की को भी मोहन अच्छा लगता था और परिचित भी था। उस अधेड़ के साथ शादी करने से तो अच्छा मोहन के साथ शादी करे, क्योंकि मोहन तो सुंदर भी था और अच्छा भी था।
लेकिन क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय तो हो चुकी थी। फिर बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन इस प्रकार मोहन ने उस लड़की के साथ शादी करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। लेखक को बहुत ही अच्छा लगा यह प्रस्ताव। जब लेखक ने सुना तो लेखक को बहुत अच्छा लगा कि नहीं नहीं मोहन, तुमने बात ठीक बताई। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दी जाने का संकट है। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। मसीहा माने देवदूत। कवि सम्मेलनों में कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की थी। इसी प्रकार मोहन ने उस लड़की के साथ शादी कर ली और उस लड़की को बचाया, अपने भाई भाभी के संबंध का त्याग किया और मोहन आगरा से ग्वालियर आ गया। मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी, भाई का भी नाराज होने का डर था, लड़की के माँ बाप भी उस पर अपनी लड़की भगा ले जाने का केस कर सकते थे। थानेदार ने लड़की को कुछ दिन तक नारी निकेतन में रखवा दिया और लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख ली। 15 दिन बाद उसने लड़की से मोहन की शादी करवा ली। मोहन ने लेखक को बताया कि उसने भाई भाभी की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी और लड़की भी दूसरी जाति की थी, इसलिए भाई ने उसे घर से निकाल दिया। अब आगरा में उनका रहना मुश्किल था। साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है, अन्य जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। निबाह माने गुजारा, अप्रीतिकर यानी जिसमें प्रेम न हो, उद्विग्न माने व्याकुल। हाँ सही कह रहे हो,
तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, दामन यानी पल्लू। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में कभी उतारते नहीं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया, यानी कि दुर्दशा ग्रस्त बुरी दशा में पड़ा हुआ, और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। लेखक ने जब मोहन को ये बताते हुआ सुना कि मैंने उस लड़की के साथ शादी कर ली, तो लेखक ने मोहन का यह रूप देखकर उसकी प्रशंसा की। लेखक ने मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, बड़े बड़े लोग जो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, जो लोग बड़े कहलाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करते। लेख कविताएं लिखे रहते हैं, बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते, किंतु उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से, बहुत ही सहजता से तुमने इस लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक जोड़ दिया, यानी कि मोहन तुम सचमुच बड़े हो, बहुत बड़े आदमी हो। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। पत्नी के साथ उसने शादी की, उस लड़की को संकट से बचाया, लेकिन मोहन कहना चाहता है कि वह लड़की मुझे हर रोज संकट से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक यानी अपने मेहनत की कमाई है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। मोहन दो दिन से लेखक के साथ उनको ऑटो में रिक्शा में लेकर घूम रहा है और अपने मन की जो बात उसने उनको बताई है, इनकी वजह से वो लेखक और उनकी पत्नी को जिस प्रकार माँ बाप जैसा मानता है, इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ, यानी कि माँ बाप के सामने पैसों का कोई मूल्य नहीं है। आप मेरे माँ और बाप जैसे हैं बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। अगर तुम हमें माँ और बाप का प्रेम देना चाहते हो, तो उसी संबंध में तुम हमारे बेटे हुए और मैं अपने बेटे का शोषण नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 रुपये वापस करने लगा। वापसी में मोहन लेखक दंपति को स्टेशन पहुंचाने आया। लेखक ने उसे 500 रुपये का नोट देना चाहा। उसने कहा, आप दोनों से मुझे माता पिता जैसा प्रेम मिला है, यह सुख मेरे लिए पैसों से बढ़कर है, ऐसा मोहन का मानना था। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं, क्या
हाँ भाई, शौक से मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वो आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। तो इसी प्रकार मोहन ने एक संकट में आई हुई लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी सवारी। और यह बात लेखक ने सुनी तो लेखक को भी बहुत ही अच्छा लगा। नारी भावना के हित में मोहन ने यह कार्य किया है। इस दुनिया में जब नारी का प्रश्न आता है तो सभी लोग नारी के हित की भावना रखना शुरू करें तो सचमुच हमारा देश महान हो सकता है।